अकीदत मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदिना व मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अंत सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दो शेर नात के और दो शेर हजरत बहरुल इरफान की मनकबत के पेश करके अपने हाजिर मुकम्मल। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है ऐसा चटाई पे मगर अर्श नशी है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है तेरे हवा मुरसल भी नबी भी है तेरे हवाखाहों में मुरसल भी नबी भी कौनैन तेरे जेर असर जेर नगी है सर जेरे नगी है। और उलमाए किराम की बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा शेर पे, शायर ने जो मज़मून बयान किया। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है रुकते यही आके कदम अहले नजर के रुकते हैं यही आके कदम अहले नजर के इस कूचे से आगे न जमा है न जमी है इस कूचे से आगे न जमा है न जमी है। हुजूर के सखावत के हवाले से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और अल्लाह करीम ये इस्तगासा बारगाह रिसालत में हुजूर बहरुल इरफान के उर्स के तुफैल हम सब के हक में कबूल फरमाए। शार ने इस्तगासा बारगाह रिसालत में पेश किया है या शाहे ज़मन अपनी ज़ियारत का शरफ दे बेचैन है आँखें
ताप जबी है, बेचैन है। दुआओं के साथ हुजूर की बारगाह में मांगने का सलीका कैसा होना चाहिए, शर ने मक्त में वजात किए, कहते हैं दिल गिरिया गुना और नजर सूए मदीना, आजम तेरा अंदाज़े तलब कितना हसी है, आजम तेरा अंदाज़े तलब कितना हसी है।